नमस्कार दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर सह आज बुलेटिन को स्वागत करुछि मु भवानी। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। देशरे बढ़ुछि कोरोना स्थिति 3623 ओमिक्रोन संक्रमित चिन्हट पर बढ़ुछि चिंता। रविवार पई तमिलनाडु संपूर्ण लॉकडाउन स्थितिर समीक्षा कले प्रधानमंत्री। कोरोना संक्रमण बढ़िबारु राजधानी में बढ़ुछि कंटेनमेंट जोन। भुवनेश्वर दक्षिण पूर्व जोन में बीएमसी पक्षरु आउ 7टी स्थान को कंटेनमेंट जोन घोषणा। बढ़िला कोविड हॉस्पिटल और शय्या संख्या। दिल्ली में एवं हेबो नहीं लॉकडाउन। कोरोना रु सुस्थ होबा परे खबरदाता सम्मेलन में सूचना देले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहले मास्क पिंधिले लागू होबनी लॉकडाउन। स्थिति गंभीर किंतु भय करिबार आवश्यकता नहीं। माँ सह गाधोइबा बेले भासीगला 8 वर्षर शिशुपुत्र। संबलपुर बुल्लास्थित पावर चैनल घटी अघटन। अग्निशम बाहिनीर ऑपरेशन जारी। बुल्लीबाई परे एबे सुलीबाई डील मामला। इंदोरु गिरफ हेला मुख्य अभियुक्त ओंकारेश्वर ठाकुर। उभय आप मामलें गिरफ हेले 5 जन। संख्या लघु महिला करुला टार्गेट। एबे नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे। देशरे बढ़ुछि कोरोना स्थिति 24 घंटे 327 जनक मृत्यु होता बेले ओमिक्रोन आक्रांत संख्या 3623 को वृद्धि पाई। देशपाई कोरोना विपद बढ़ुता बेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपराह 4:30 कोविड स्थितर समीक्षा कर। आज रविवार तमिलनाडु संपूर्ण लॉकडाउन होई। बैठक में केन्द्र गृहमंत्री और स्वास्थ्यमंत्री व्यतीत कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव अभय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर डीजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रही। देश में एवं कोरोनार 5,90,611 सक्रिय संक्रमण मामला रही। भुवनेश्वर में बढ़ला कोविड हॉस्पिटल और शय्या संख्या। कोरोना संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर नि पदक्षेप। पूर्व सम और आदित्य अश्विनी हॉस्पिटल को अनुमति मिलता बेले एवं हाइटेक और किम्स हॉस्पिटल सह चुक्ति करिछि बीएमसी। बीएमसी दक्षिण पूर्व जोन में आज आउ 7टी अंचल को कंटेनमेंट जोन घोषणा कर। एकाधिक पॉजिटिव चिन्हट पर बीएमसी पक्षर एभली पदक्षेप नि। संक्रमित माने होम आइसोलेशन में थिबा बेले आवश्यकता अनुसार कोविड हॉस्पिटल को पठा जाउछि। एहा सह आज ठारु एनफोर्समेंट टीम संख्या बढ़िछि। गोटे जोन रे 3टी टीम पइंतरा मारिबो बोली बीएमसी पक्षरु सूचना दिछि। मां सहित गाधोइबा बेले भासीगले 8 वर्षर बालक। एभली एक घटना घटी बुल्लास्थित पावर चैनल। भासी जाइथिबा बालकर ना रोनक पंचविहार। ता घर बुल्लास्थित वानर कॉलोनी रे। आज सका से पावर चैनल शिव मंदिर घाट निकट में गाधुता बेले कौन कारण भासी जाता। सेठे स्रोत प्रखर थी पिलाटी भासी जाता कह। घटना संपर्क में खबर पाई दमकल बाहिनी सेठे पहुंची खोजाखोजी आरंभ कर। खबर पाला दमकल कर्मचारी बोला दमकल कर्मचारी तत्क्षण घटनास्थल में पहुंची से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखिंट अद्यावधि एपर्त रेस्क्यू ऑपरेशन चली पिलार किसी खबर ना पाईना। तेणु पुनर्बार आउ एक टीम भी मगा जाए संबलपुर से आसिक आमको बुला साज्य करेंगे। से माँ सहित गाधिया को आसला। माँ पु उभय भासी जाते कि पानीर स्रोत अधिका थी माँ पिलाटी को आउ सेव कर पार्लानी। उभय माँ पु अलग अलग होगा माँ सेव हो गले पिलाटी भासीगला। जदि समस्ते मास्क पिंधती तेबे लागू होबनी लॉकडाउन। केवल बढ़िबो कटकणा। लॉकडाउन लागू करबा नै से एभली किछि उद्देश्य नै। देशर राजधानी दिल्ली रे कोरोना मामला हुहु होई बढ़ी चलिछि। यहारी भितरे आज एभली किछि कहिछन्ती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देशरे दैनिक संक्रमण 1.5 लाख मुहा हलानी। दिल्ली महाराष्ट्र रु सर्वाधिक कोरोना मामला सामना को आसुछि। यहारी भितरे आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामना को आसी लॉकडाउन लागू करा जइबो नै बोली कहिछन्ती। आसंता काली डीडीएमए सह कोरोना को नहीं समीक्षा बैठक होब। केजरीवाल कहिछन्ती जे से केन्द्र सरकार को सह लगातार जोगाजोग रे अछन्ती। केन्द्रर मध्य संपूर्ण सहयोग करुछि। एहा पूर्वरु दिल्लीर लोक माने मध्य कोरोनार द्वितीय लहर को मुकाबला करी ताकु हराइथिले। एथर मध्य एही लहर को दिल्लीवासी मात देबे। जे माने टीका नै नहांती से माने निश्चिंत भाबे टीका नियंथु। केजरीवाल आहुरी मध्य कहिछन्ती मु मध्य कोरोनारे संक्रमित होइथिली। प्राय 7 रु 8 दिन होम आइसोलेशन नेथिली। मते 2 दिन ज्वर होता यापर मु ठीक थी। कोरोना नियमानुसारे 7 रु 8 दिन जाए होम आइसोलेशन रही। किंतु फोन माध्यम रे दिल्लीर स्थिति संपर्क पचारि बुझा सह कोरोना उपरे दृष्टि रखिथिले। 11 थर कोरोना टीका नेइथिले। एबे मामला हेबा परे बंधा एबे वृद्ध। किछि दिन तले भूल बशत 11 थर कोरोना टीका नेबा परे बिहार
ମଧେପୁରା ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ 84 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମଣ୍ଡଳ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମଣ୍ଡଳ ବିରୋଧରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ମଧେପୁରା ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବିନୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଜାମିନ ବିହୀନ ଆଇପିସି ଧାରା 188, 419, 420 ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ବୟସାଧିକ ଦର୍ଶାଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଣ୍ଡଳ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜାମିନ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ ପରେ ଏବେ ସୁଲି ଡିଲ୍ ଆପ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସର ତନାଘନା। ସୁଲି ଡିଲ୍ ଆପ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରି ନିଲାମ କରୁଥିବା ଏହି ଆପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷୀୟ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ଠାକୁର। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ଟାଉନସିପ୍ର ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲିସ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଏହି ବିସିଏ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୁଲି ଡିଲ୍ ଆପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ଖୁଲାସା କରିଛି ଯେ ସୁଲି ଡିଲ୍ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରେ ଛୋଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଟ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ ତଥା ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଶେଷରେ କୋଳକୁ ଫେରିଲା କୁନି ପୁଅ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିଡ଼ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲା କୁନି ପୁଅ ସୋହେଲ। ନିଖୋଜ ହେବାର ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଛି ଏହି କୁନି ପୁଅ। ସୋହେଲକୁ ଶନିବାର ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୁନି ପୁଅ ସୋହେଲ ହଜିଯାଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.dhariti.com। ନମସ୍କାର।